किसके स्पीड पे चल रही हैं गाड़ियाँ, तो कर सकते हो पीछे कितनी गाड़ियाँ हैं। ये पांचवी तेरहवीं। हेलो जी, वेलकम हो गया आप सबका अनदर वीडियो के अंदर। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सब मैं वेलकम करता हूँ अपने ब्लॉग नंबर 20वें में, शायद 20 हो या 19, पता नहीं। जब एडिट करूंगा तो पता ही लग जाएगा। सारी सी बात फिर स्टार्ट नहीं हुआ था, मैंने पहले व्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो अभी बज रहे हैं रात के डेढ़ बज रहे हैं, तो मेरे अब्बू का फ़ोन आया मुझे पिक कर लो। टर्मिनल से पिक करने जा रहा हूँ मैं, तो अभी इस धुंध वगैरह का आप हाल देख सकते हो, तो जीरो विजिबिलिटी तकरीबन, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो बस दुआ करो ऐसे सब मुझे हम उनको लेने के लिए आराम से। अच्छा तो भाई फुल 10 की स्पीड पे चल रही हैं गाड़ियाँ, तो ये बस वाइट लाइन देख के चला रहा हूँ मैं। तो प्रो टिप दे दूँ, एक जब फुल धुंध हो ना तो ऐसे वाइट लाइन देख के चलाते हैं। बस मोटरवे भी हो बंदा वाइट लाइन देख के, जो साइड पे होती है ना वाइट वाइट, तो उसको देख के बंदे को चलानी चाहिए। तो जब आप एक बार अच्छा चलाने लग जाओगे ना, तो आपके पीछे बंदे खुद इकट्ठे हो जाएंगे। तो कोशिश करो कि आप पीछे किसी के लग जाओ अगर आप इतना प्रो नहीं हो। बट मैं तो अभी सबसे आगे, क्योंकि सारी गाड़ी मेरी पीछे ही है। बस अभी स्लो स्लो चेक कर सकते हो पीछे कितनी गाड़ियाँ हैं, तो बस अभी स्लो स्लो ही जाते हैं 20 की स्पीड पे। तो इस सीजन की सबसे गहरी धुंध है जिसमें मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, और मेरे पीछे तकरीबन बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। तो प्रो पॉइंट ये भी है कि थोड़ी लाइट धीमी रखा करो, बस ऐसे चलानी है आपने स्लो स्लो। ट्रक वालों मुझे क्रॉस करने की जरूरत है, तो कर लो भाई। जो डेस्टिनेशन है वो क्लोज है, तो यहाँ गाड़ी लगाने लगा वो आपको दिखाऊंगा पीछे बंदे कितने थे। तो कितनी गाड़ियाँ थी पीछे? ये पांचवी, छठी, सात, दसवीं, तेरहवीं, सोलहवीं, बारहवीं, 19 गाड़ियाँ थी आगे भाई। अभी 19 गाड़ियाँ से आगे भाई 19 गाड़ी को लीड कर रहा था। वेल डन सीन ये हुआ, मैं आके बैठ गया हूँ इधर, लेकिन जो मेरे अब्बू हैं फोन नहीं उठा रहे, उनका फोन बंद जा रहा है, शायद कोई सिग्नल प्रॉब्लम हो जाए, उनका फोन शायद बंद हो गया। तो मैं अभी 47 हो गए ना, और 5-10 मिनट से वेट कर रहा हूँ, अभी तक आई नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ अंदर जाके पता कर लूँ, लेकिन यहाँ गाड़ी लगा नहीं सकता क्योंकि यहाँ मुझे कोई बेहतर नहीं लग रहा। मॉल शॉल देख सकते हैं आप बार बार, ऊपर से धुंध है, कोई भी मार सकता है गाड़ी। तो चेक करते हैं फिर वरना अंदर जाते हैं, जाके पूछ के आते हैं कब तक आएगी बस। 1 hour later उससे यार ठंड बहुत हैवी वाली होगी, तो अभी हम घर पहुंच गए हैं, बस गाड़ी अंदर खड़ी करते हैं, सोते हैं, फिर कल का व्लॉग कल शुरू करते हैं। 7 hours later अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार सबका, एवरीवन हु इज वाचिंग माय व्लॉग। रात का नहीं सोया मैं आज, पूरी रात से नहीं सोया। कल व्लॉग हम देख लियो कि मैं रात 3 बजे आया था, वो धुंध छुंध से फारी फ्री होके, तो बाद में सुबह के 7 नमाज के बाद मैं सोया नहीं। पूछोगे क्यों, मैं शूट करनी थी वीडियो कोरे की, कोरे का व्लॉग था संडे वाले दिन का, तो वो मैं एडिट ही नहीं कर पाया, तो एक छोटा सा क्लिप रह गया था कोरे का। तो मैं अभी उठाऊँ ताकि, क्योंकि मैं उठना तो 3-4 बजे उठता हूँ, तो 3-4 बजे गाड़ी कभी नहीं होती, तो मैंने कहा आज सुबह सोते ही नहीं है, गाड़ी का भी वीडियो शूटियो बना के ताकि शाम को व्लॉग अपलोड कर दें वहाँ पे लिए। तो इसलिए बस मैं अभी उठाऊँ, गाड़ी को पानी से नहीं मारते हैं, अभी तो गाड़ी गंदी बहुत है, तो अगर गाड़ी को भी पानी से नहीं मारते हैं तो फिर निकलते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। चलो A few moments later. गाड़ी की वीडियो बनी थी हमने, वो बना लिया है। तो अभी बज रहे हैं 10:20, तो रात को मैं 1-2 घंटे भी नहीं सोया, तो भी मैं सोता हूँ क्योंकि शाम को हमने अकेडमी भी जाना है। तो क्या करें यार, मुझे समझ नहीं आ रही, ब्लॉग भी एडिट करना है। 2000 years late. अच्छा यार फाइनली उठ गया, अभी 3-4 घंटे सोया है, बट मैंने अकेडमी जाना था, मैं लौट गया, सबसे पहले जाके मैं गाड़ी का टायर ठीक कराना है, क्योंकि कल भी बाइक पे गए थे बहुत ठंड लगी थी, बस आज चलते हैं अभी निकलते हैं गाड़ी का टायर ठीक कराने के लिए। तो यार यहाँ मैं पहुँच गया हूँ इधर इनके पास, टायर वालों के पास, तो बस इधर टायर चेंज करवाते हैं और फिर निकलते हैं दस्ती हम। तो फाइनली टायर बदल गए हैं, अलहमदिल्ला, बड़ा ईजी सीन है। तो ये बस पेट्रोल आते हैं गाड़ी में, घर चलते हैं, फिर अकेडमी की तैयारी करते हैं, और अकेडमी से हम 1 घंटा लेट हो भी गए, पहला 2 लेक्चर गुजर गए हैं। तो टायर डाल लिए हैं, अभी बस हमने टायरें हवाएं फुल करवानी है। इसके कितने कैमरे चलते हैं वो? अच्छा तो यार सीन ये मेरा बन रहा है कि अभी मैं घर पहुंचा तो बज रहे 6, तो अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 5:30 हो रहे हैं, तो सबसे पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं,
तो मैं फिर देखता हूँ जाने की नहीं, क्योंकि 5 बजे क्लास स्टार्ट हो गई है, 6 बज रहे हैं, मुझे आधा घंटा जाते हुए लगेगा, 6:30 फिर एडमिशन 7 बज जाएंगे, तो फायदा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कल ही जाएंगे, बाकी भी नमाज पढ़ के चेक करते हैं जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर आपको बता दूंगा मैं। 1 hour later वो आगे भाई निकल गया बाहर कपड़े बदल के नहा के, कैट भी कोई नहीं गया भाई, दिल ही नहीं कर रहा जाने का, ऊपर से खल्ली डली हुई है, कल की जिम वाली और एक और मेन वजह इससे नहीं गया क्योंकि धुंध बहुत हैवी है, बहुत हैवी वाली धुंध है, पहले धुंध तो नजर आता था, नजर भी नहीं आ रहा इस धुंध के अंदर। कल वाले सीन हो रहा है, आज भी पीछे फुल गाड़ियां लगी हुई है, आगे एक गाड़ी नजर आ रही है मुझे, ये मोटरवे की एंट्रेंस है, तो आकर हम पहुंच जाए आराम से खैर खैरियत से, वेरी मुश्किल। ठंड के अंदर फिरते हुए अल्ट्रावेट का मैं बनाते अल्ट्रावेट का। ओके ओके, तुझे कैसे समझ लगा अल्ट्रावेट नहीं? वो इतना पास लगा चॉकलेट बेस में नीला बेस भाई चॉकलेट बेस भाई व्लॉगर पैसे निकाल रहे हैं, इसी नहीं लेना भाई बंद कर। एक अंडा खा लेते एक टिकट नहीं, चल फिर रहन दो रहन दो रहन दो, आप खा लो उस्ताद जी, अब खुद खा लो खुद खा लो खा लिया। अंडे वाला बर्गर पेट में ही गड़बड़, वो कहते हैं मुझे अंडा बेचते, मैंने कहा मेरे पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है बाद में लेंगे, कहता आप 13 Pro Max रखा हुआ है, 13 Pro Max रखा हुआ है पैसे नहीं है, मैंने कहा ठीक है। यार इसको मैं क्या समझ सकता हूँ, आप लोग बताओ इससे आपको देख के क्या समझ आ रही है? ये है कि लाहौर के अंदर पता नहीं आज दुकानें जल्दी बंद हो गई, कोई नया नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया है, तो अभी मैं बाहर गया तो सिर्फ मुझे बेकरी खुली मिली है। तो आप कह रहे हो कि भाई इतनी धुंध में आप क्या करने गए हो, तो भाई वो चीज़ लाया हूँ मैं सरप्राइज़ है, वो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में हम बताएंगे आपको। तो अभी बस अभी घर चलते हैं, ये सामान सामान पकड़ाते हैं, बड़े भाई को पकड़ते हैं, फिर जिम चलते हैं, जिम करके फिर व्लॉग एंड करते हैं। हाय जी भाई, रुको जरा सब्र करो यार, ये इस धुंध के अंदर ना ये साहब मुझे कह रहे हैं गाड़ी मार दो कंटेंट बन जाएगा, कंटेंट को समझा गाड़ी मारने का कोई फायदा नहीं, कंटेंट कोई नहीं, सामान पकड़ के हम घर चलेंगे भाई, बढ़िया है जाने दो साथ ही अंदर चल जाएगा। A few moments later क्या घर आ गए, तो हम ये व्लॉग एंड करते हैं, तो आप अगली वीडियो के लिए वेट करें, जो मैं सामान लेने आया था वो इंशाल्लाह अगली वीडियो रिवील करूंगा मैं, तो बढ़िया गेम। ओके बाय, हाफिज़, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो वीडियो को।